राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 5 लोकतंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना। आधुनिक काल में डेमोस का प्रचलित अर्थ जनता है और कार्टिया का अर्थ शक्ति है। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन प्रणाली के एक रूप में उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। लोकतांत्रिक शासन के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, वह इसका प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुकाती है। लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेद नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। लोकतंत्र के रूप में नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज का शासन का मूल आधार माना जाता है। ये व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल देता है। लोकतंत्र के 4 गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक व देशभक्ति की शिक्षा का साधन। भारत में लोकतंत्र के संचालन के मार्ग में 3 बाधाएं: सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के दोष। व्यक्ति संबंधी लोकतांत्रिक धारणा भ्रमपूर्ण, दलीय दुष्प्रभाव, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, संकट काल की दृष्टि से कमजोर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक एवं देशभक्ति की शिक्षा का साधन। क्रांति में सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता तथा संविधानवाद पर आधारित शासन। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान तथा विश्व शांति में सहायक, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, राजनीतिक दलों का दुष्परिणाम, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, बहुमत को तानाशाही, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन अन्य दोष। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण।
डायसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। नैतिक लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल दिए गए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा से आशय है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता की प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के विकासकर्ता एच जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, जी डी एच कोल है। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के तीन प्रतिपादक रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का तथा पेरेटो है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं नीति संबंधी निर्णय लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उपयुक्त कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की चार विशेषताएं: जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र एक साधन के रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूलाधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। उसके अनुसार राज्य भी अन्य दूसरे सामाजिक संघों की तरह एक संघ है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ: शांति तथा व्यवस्था, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समानता की स्थापना, सामाजिक न्याय की स्थापना, शिक्षित व जागरूक जनता, जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता।